हैशटैग ट्रेंडिंग नाउ द टाइम ऑफ गैलेक्स टोटिक गेमिंग। तो ये सर मैं हूँ गैलेक्स एंड आज से हमारी जो नई सर्वर सीरीज है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज जैसे कि यार मतलब कि अपना वर्ल्ड में खेलते ना ये बस सेम वही है। मतलब वर्ल्ड में आज हम लोग खेलने वाले अपने प्राइवेट सर्वाइव वर्ल्ड में एकदम फुल्ली सर्वाइव करने वाले हम लोग बिना किसी चीट के बिना किसी ओपी के। एंड हाँ अपन इसमें हर वो चीज़ करेंगे मतलब हम लोग इसमें सर्वाइव करने वाले इस पूरे वर्ल्ड में। हम लोग अपना घर बनाएंगे सारी एक से एक चीज़ें इसमें हम लोग बिल्ड करेंगे और आखिरी में हम लोग एनर ड्रैगन को मारेंगे। उसके बाद में भी ऐसा कुछ खत्म नहीं होने वाला क्योंकि अरे अपना माइनक्राफ्ट और सब आप सभी लोग जानते हो कि यार माइनक्राफ्ट का भी एंड नहीं होता है। ठीक है तो हाँ आज ये हमारा एपिसोड 1 है। आज पता नहीं यार मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग आयरन माइन करेंगे बाकी यार बहुत कुछ करेंगे। तो सबसे पहले तो ना यार वुड वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यार बंदे मेरे को लाइव स्ट्रीम में बस ये बंदों से बात कर रहा था कि यार क्या बनाना चाहिए। तो यार मेरे को एक बंदे ने बोला था कि यार माइटी गेमर नाम है उसका। तो उन्होंने बोला था कि यार सर्वाइवल सीरीज और मेरा भी यही प्लानिंग थी तो इस वजह सर्वाइवल सीरीज मतलब यार मैं बहुत पहले सोच रही थी सर्वाइवल सीरीज लानी है। और फिर भाई कुछ कंटेंट भी तक कुछ मिल नहीं रहा था मुझे क्योंकि डीमन सेम्पी का जो है सीजन 1 खत्म हो चुका है। तो सीजन 2 के आने तक यार मतलब सीजन 2 के पहले पहले हम लोग क्या करें। तो उससे बढ़िया काम यही कि हम लोग यही कर लेते हैं। मेरे सामने क्या हो मेरे को लगा कि विदेश मिल गया। वैसे यार स्पान काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे ऐसे वर्ल्ड में जब इस वर्ल्ड में जो है भाई वर्ल्ड में अगर कोई भी बंदा वर्ल्ड बनाता है ना तो इसको स्पॉन ऐसे ही मिलता है तगड़ा एकदम। तो हाँ सबसे पहले टूल फूल क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मैं मरूँ। ठीक है क्योंकि कीप इन्वेंटरी वगैरह कुछ भी नहीं है अपने वर्ल्ड में। तो ये रखी मैंने क्राफ्टिंग टेबल। एंड हाँ गाइस जो भी बंदे माइनक्राफ्ट नया नया सीखना चाहते हैं ना वो लोग मुझे देख के सीख सकते हो कि किस तरीके से माइनक्राफ्ट खेला जाता है। ठीक है तो हाँ जो जो बंदे नए माइनक्राफ्ट प्लेयर थे ना वो लोग आखिरी तक वीडियो पर टिके रहना। और हाँ अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है मैं यहाँ पे एक वोल्ट और बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली एक वोल्ट। ये यार ये बेसिक से टूल्स है जो कि आप लोगों के पास में होना जरूरी है अगर आप एक माइनक्राफ्ट मतलब माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो। और ये मैंने तोड़ लिया चलो बढ़िया। यार माइन वाइन में देखो माइन वाइन में मैं जाने की सोचता रहा हूँ बट उससे पहले हाँ खाना वाना सब कुछ कलेक्ट करेंगे। मतलब ना मैं सोच रहा हूँ जब क्यों ना आयरन का आर्मर बना लिया जाए पूरा। एंड सबसे पहले तो ना हमें एक छोटा सा बेस बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग और पैंस की भाई उसने देखा तो नहीं ना मेरे को अंदर स्केलेटन खड़ा है वो। ओ नहीं 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 भाई बाहर 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 अंदर स्केलेटन खड़ा है भाई एकदम मस्त अपना छुप के खड़ा है। अबे मर अरे मर क्यों नहीं रहा चलो मर गया। और ठीक है पोर्क चॉप से सामने पोर्क चॉप अच्छा आज मुझे शुरू में पोर्क चॉप मिल गया। पोर्क चॉप ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खाने में हेल्प मिलती है हर्ट्स बढ़ाने में। ओके भाई मैं जा तो रहा हूँ और मैं मर ना जाऊँ यार बस। और रात होने से पहले ना बेड बनाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। लो मेरी वुमन स्ट्रेंथ वाली एडवांसमेंट बन गई। बेड बनाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा रात होने से पहले। चलो नाइस यहाँ अंदर मैं अभी नहीं जाने वाला भाई साहब जो भी अलग नहीं मान रहा अभी बेड यार फिर सबसे पहले तो ना मैं बेड ही बना लेता हूँ क्योंकि अब मेरे को ना ये रात में ऐसे छुप के खड़े रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सर मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपना जो है ना बेड बनाने वाला हूँ। और बेड बनाने के लिए हमको लगेगी शीप एंड का। इधर सच्ची में कुछ ज़्यादा ही फ्लैट एरिया नहीं यहाँ पे यार फ्लैट एरिया को देख के ना ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओके शीप मुझे मिल चुकी है गाइस। और अभी शीप हेलो शीप इधर आओ शीप इधर आओ तुमको भैया कब से इधर आओ शीप इधर इधर तो आ मैं पास में आने को रहा भाग रही है तो भाई मैं तो इधर ही किधर घर बना लूँगा बाद में विलेज विलेज ढूंढते रहेंगे। ए भाई इतनी अच्छी जगह छोड़ के और खा जाऊँ मैं इतनी फ्लैट सी जगह ये एंड लो ये सोने का बंदोबस्त कर लिया तुम्हारे भाई ने। और अभी मैं जा रहा हूँ इस थोड़े से स्टोन स्टोन भी निकाल के लेके आते हैं। और राइट दो सर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपना स्टोन ने कहा भाई मैं अभी डायमंड बोलने वाला था स्टोन को। स्टोन एज वाली एडवांसमेंट बन चुकी है तो देखो मेरे पास एक पिकिक्स बन जाएगी एक वुड बन जाएगी अभी और 3 पत्थर और उसके बाद मैं एक एक्स कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद में ना मुझे अभी 8 सबसे पहले तो 8 में वो तोड़ देता हूँ स्टोन और क्योंकि ना फर्नेस अपने को बनाना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा ज़्यादा ही तोड़ लेता हूँ मैं स्टोन क्योंकि यार फर्नेस ही नहीं मैं स्मोकर भी हर बार बनाता हूँ अपनी शुरुआत में ताकि मेरा जो खाना है यार वो जल्दी से जल्दी पक सके। ठीक है तो यहाँ पे जितना भी जमीन पर लगा हुआ ना मैं तो सारा का सारा निकालने वाला हूँ। वैसे सारा का सारा खत्म भी हो जाएगा मैं जितना निकाल रहा हूँ। एंड हाँ गाइस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ से मैंने स्टोन स्टोन निकाल जाए फटाफट से यहाँ पे। हाँ वैसे स्पीड रनिंग नहीं करनी अपने को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एकदम भाई मस्त चिल करना है खेलना है मजे लेने ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड रनिंग करे जा रहे सब कुछ वो चीज़ नहीं यार मजे नहीं आते फिर यही बढ़िया। अभी एक स्मोकर बन जाएगा फिर एक फर्नेस बन जाएगा फिर भी 3 स्टोन बच रहे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वेट अरे यार मैंने क्यों तोड़ दी इसको रुको एक बेड भी मैं बनाई लेता हूँ ना हाथों हाथ ताकि अगर रात हो तो मैं सो जाऊँ। ओके यप
अभी अगर मैं चाहूँ तो एक बार मैं माइंड में आने की सोच भी सकता हूँ, बट उससे पहले मैं आसपास अपने एरिया को थोड़ा सा डिस्कवर करने की सोच रहा हूँ। क्या मालूम कि हमारे आसपास से कहीं ना कहीं पे विलेज हो एंड खाना भी हम लोगों को मिल जाएगा इसी डिस्कवरी में। ओके यार, मैं तो फालतू उसी पहाड़ पर चढ़ा था, इधर कितने सारे ये शिप्स शिप्स है खाने के लिए, तो मुझे नीचे ही मिल जाता खाना। ओके तो कैसे अभी अपना जो डे वन है ना, मतलब अपने सर्वाइवर सीरीज में यार, वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रात होना चालू हो चुकी है, मस्त अपना सूरज जा रहा है और उधर से चंदा मामा निकल रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे अभी इसमें सबसे पहले तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पंगे वंगे लेना नहीं चाहता मैं, तो मैं सो जाता हूँ। ठीक है, लेट्स गो गाइस, हमारा पहला दिन कंप्लीट हो चुका है अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। और राइट गाइस, तो यहाँ पे अपना डे हो चुका है ना, अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे उस माइन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोल दिख रहा है। एंड मैं कोल भाई, तुम्हारा भाई कोल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कोल एकमात्र ऐसी चीज़ जिससे मैं टॉर्च बना सकता हूँ, और टॉर्च एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अंधेरा एकदम ही गायब हो जाता है, मैं छुच्छू मंत्र हो जाता भाई अंधेरा। मैं ऐसे फटाफट से सारा का सारा कोल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वही सर, मैंने यहाँ से कोल निकाल लिया, एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पहले खाना पका लिया, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार अंदर ना आयरन वायरन मिल सकता है, तो मैं थोड़ा सा अंदर जाके भी देखने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना कुछ कोल से अपना खाना पकाने रख दिया, और कुछ कोल जो है ना मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं टॉर्च वगैरह और बना पाऊँ एंड मेरा आगे भी काम में आ जाए। ठीक है, स्मेल्टिंग वगैरह के, तो मैं फटाफट से बाकी सारा कोल भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ अभी। मैंने इधर से और इधर से, हम इस तीनों जगह पे जितना भी कोल था मैंने सारा निकाल लिया है। एंड यस, मेरे पास यहाँ पे 14 कोल एक्स्ट्रा हो चुका है, तो मैं अभी इसकी टॉर्च बना लेता हूँ। मेरे पास जितनी बन रही, देखो मेरे पास 8 बन रही थी, मैंने 8 बना ली, दूसरे हाथ में रख लेते हैं, और बाकी सारा कोल इसके अंदर डाल के खाना निकालो भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी हो जाओ। बाकी मैं सिर्फ थोड़ा सा हूँ, पूरा अंदर भी नहीं जाने वाला। देखो एक मकड़ी सामने खड़ी, वो एंडरमैन, एंडरमैन नहीं भाई, एंडरमैन क्या को मैं कभी मत देखना अगर आप माइनक्राफ्ट पे रहो, क्योंकि एंडरमैन एक ऐसा घटिया प्राणी है जो कि सिर्फ आंखों में देखने से ही पीछे पड़ जाता है, तो उसकी आंखों में कभी मत देखना, वो गंदा ही मारता है वो भाई, उठा उठा के पटकता है। बाकी हाँ, अगर आप उससे पंगे लेना ही चाहते हो ना, तो मेरे जैसे ऐसे, ओए एंडरमैन ट्रिगर्ड, देखो मैं एंडरमैन को ट्रिगर करूंगा। ए एंडरमैन इधर, हेलो, देखो हो गया ट्रिगर्ड, अभी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आएगा, बट ये मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे छू, और पैंस की भाई मैं गया। ओ नहीं यार गाइस, ऐसा कभी मत कर, जैसा मैंने आपको बताया ना ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मैं तो मरा ही मरा, मेरी एक्सपी भी लेके मरा मैं, तो सर ऐसी हरकत वापस से कभी मत करना, वो तो मुझे अपने भाई बाहर ही खड़ा हुआ एंडरमैन। हाँ भाई गलती थी यार, मेरी एक्सपी चलो 5 XP थी, 3 हुई वापस। हाँ भाई ये चीज़ कभी मत करना गाइस, मैं थोड़ी सी ज़्यादा होशियारी मार दी मैंने, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना, वरना तो मेरा बस मुँह ही टूटा है, आप लोग अभी हाथ पैर टूट सकता है भाई। फिर भी तुम्हारे भाई ने हिट तो मारे थे उसको, हिट तो मारे थे। क्रीपर चाचा हेलो, क्रीपर चाचा आवाज़ आ रही है? आ नहीं, ओह मैं बच गया। अरे नहीं 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 मकड़ी मकड़ी, आराम से आराम से आराम से, चलो बढ़िया। क्रीपर चाचा इधर भी, क्रीपर चाचा आप तो हर जगह पे ही खड़े हो, आ जाओ चलो कोई बात नहीं, आपसे भी बात कर लेंगे। हटो पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, बढ़िया। आ गए आप लोग कुछ इस तरीके से क्रीपर से पंगे ले सकते हो यहाँ पे, तो भाई पूरी माइन में ही क्रीपर बड़े पर हैं, मरेगा आज तुम्हें हाथों। ये देखो गाइस, मार ही दिया उसको मैंने, जान से ही मार दिया। ओके चमगादड़ है ये तो, हट हट, अबे हट यहाँ से, पाउली पूछ। ओके मैं अंदर जा तो रहा हूँ एकदम फुल मौज में, बट अभी तक मुझे आयरन दिखा नहीं है। एंड अगर आप लोगों को ये स्केलेटन दिख जाना, तो उसी रास्ते से एकदम पीछा पलट जाओ, क्योंकि यार एक बार आप ना इस ऐसे घटिया से मुंह वाले जॉम्बी से लड़ सकते हो, पर उस स्केलेटन से लड़ना मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं तो ये टिप्स दूंगा कि आप लोग पीछे निकल जाओ, जैसे मैं वापस पीछे निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उससे भी लड़ना, क्योंकि यार उससे लड़ना ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है, और फालतू यार बहुत ज़्यादा दिमाग चार्ज लेता है वो स्केलेटन, इसलिए मैं उधर नहीं आ रहा। एंड मैं थोड़ा सा इधर अंदर आके देखने वाला हूँ और के अंदर। ठीक, तो वैसे मैं यहाँ पे आया तो, और मुझे यहाँ पे एक आयरन तो मिला है, देखो ठीक है एक आयरन तो मिला, ज़्यादा अंदर नहीं आया मैं, फाइनली एक आयरन मिला है, और मैं इससे अपनी शील्ड बना सकता हूँ, शील्ड बनाऊंगा मैं सबसे पहले। ओके मैं अभी और भी अंदर आते जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि वो आयरन है, आयरन है, आयरन है। ओके यस, यहाँ पे भी आयरन है, बहुत बढ़िया गाइस, अभी आयरन की भाई बहुत चार हो गई एकदम फुल, तुम्हारे भाई के पास अभी आयरन होने वाला है। तो देख रहा हूँ ये तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है जस्ट इधर ही, मैं आयरन की यहाँ पे कोई कोई कमी नहीं होने वाली गाइस। अगर आप लोगों को अभी ऐसी ओपन माइंड मिल जाती है ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, जैसे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ओपन माइंड में आपको काफ़ी ज़्यादा आयरन मिलता है, इसीलिए मैंने इस बार एक बार तो इसमें आने की सोची। और मैं सच में यार आज का पहला दिन था मस्त जा रहा था रॉयल सीरीज में, तो अभी आगे के दिन तो भी पता नहीं कैसे ही जाने वाले हैं। आगे तक अगर आप लोगों को इसका पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी इसका पार्ट टू ला सकूँ रॉयल सीरीज का। बाय द वे गाइस, सभी पहले पार्ट भी अच्छे से हम लोग ध्यान दे लेते, ताकि पहली पार्ट में भाई पूरा खत्म ना हो जाए हमारा गेम, समझ रहे हो? वाह, ऐसा भी होता है कभी कभी, कोल और आयरन साथ में निकल जाते हैं, ताकि हम लोग आयरन को पका सके कोल से, समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी सी ऐसी मिथ बनाइए कुछ, तो जो भी है पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं पता है, मैं फिर भी बोल ही जा रहा हूँ।
यहाँ से भी निकालो आयरन, यहाँ से भी। भाई साहब कितना हो गया मेरे पास में, एक आर्मर बन जाएगा इतना हो गया क्या? नहीं यार, नहीं यार, मेरे को और भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे टूल्स हो रहा है आयरन का आर्मर भाई पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? तो हाँ, तो पूरा कंप्लीट। एक ऊपर ऊपर आयरन है, ऊपर आयरन है, बट मुझे ना उस ज़ॉम्बी की आवाज़ भी आ रही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही आयरन नहीं, इधर भी आयरन है यार। आयरन चलो ये बढ़िया। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे टूल्स को जो है ना पूरा टूल्स कवर करूँगा, उसके बाद मैं अपने आप को आयरन आर्मर से कवर कर लूँगा। हाँ, और हाँ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी याद रखना है ताकि मैं मर मुर ना जाऊँ, ठीक है? बाकी जोम्बी की आवाज़ तो वही तगड़ी आ रही है मेरे को, बट पता नहीं जोम्बी है किधर यार। हेलो जोम्बी भाई, थोड़ा डरा मत यार आवाज करके, दम दम है तो सामने आ जाना एकदम सीधा। थोड़ा सा आयरन निकल रहा था तेरे को, वो भी नहीं हजम हो रहा। चलो अभी तो उसके बाद गई, बट नहीं अभी इससे भिड़ना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको मार सकते हो गाइस। तुम्हारे भाई को थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, क्या है ना मैं भाई तुम्हारे भाई की, आपने देख रखी माइनक्राफ्ट के साथ तगड़ा खेल लेता हूँ मैं तो। इतना कुछ खास भी नहीं खेल पाता हूँ मैं, बट हाँ ठीक ठाक खेल लेता हूँ। अरे यार कितना आयरन हो गया, 21 हो गया ना। वो एक क्रीपर दूर, भैंस की टांग, पीछे पीछे पीछे, वो मार दिया उसको तो। 21 आयरन हो गया, हमको तीन और चाहिए था पूरा एक आर्मर कंप्लीट करने के लिए। ओके नाइस गाइस, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ क्या? एक बारी मैं यहाँ से ऊपर जाके देखता हूँ। नहीं पर रहने दो, मेरे पास ऐसे भी इतने कुछ अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स है नहीं, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए भी तैयारी यहाँ पे से कर लूँगा। थोड़े बहुत स्टोन स्टोन तोड़ लेता हूँ। और ट्राइड तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े से ना स्टोन तोड़ तो लिए, बट मैं उस वाले रास्ते से जाने की सोच रहा था, बट अब नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उसी रास्ते पे ना एक स्केलेटन को देख लिया। एंड मैं स्केलेटन से उलझना बिल्कुल नहीं चाहता। एंड भाई लावा से तो एकदम दूर ही रहो, लावा से भाई 10 कदम की दूरी रखो तो ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर उसमें मरे ना तो भाई सारा का सारा सामान तो जाएगा ही जाएगा, मतलब हमेशा के लिए चले जाएगा और कहीं मिलने का भी नहीं है। तो इसलिए लावा से भाई दूरी रहो। और बाकी तो हाँ, मैं विलेज विलेज ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बाकी इतना आयरन आ चुका है ना तो भी उसको भी स्मेल्ट करना चालू करते हैं। राइट गाइस, तो यार मैंने अपना आयरन ना फर्नेस में छोड़ के यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे अभी रात हो चुकी है। तो कैसे फटाफट से अपने फर्नेस के पास में चलते हैं, एंड वहाँ पे आके सो जाते। तो कैसे देखो वो अपना फर्नेस, एंड में थोड़ा सा ना ओ बच के बच के बच के यार, अभी ना मेरे को उतरना ही पड़ेगा। वाटर बकेट होती है सीधे ही खुद जाएगा, बट अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं। अभी जब तक आयरन स्मेल्ट होने के बाद में ना वाटर बकेट वगैरह जो भी होता है सब बनाएंगे अपने फर्नेस के पास में, सोना ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ये हो गया गाइस, अपना डे 2 हो चुका है गाइस फाइनली। अपना अपन लोगों ने 2 दिन यहाँ पे बिता दिया अपने वर्ल्ड के अंदर, इंडिया से यहाँ पे मेरे पास इतना आयरन हो चुका है। मतलब यहाँ पे अभी ना देखो मैं एक वाटर बकेट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले ना 3 चीज़ें बनाऊँगा मैं यार। स्टिक स्टिक क्यों ख़त्म हो जाती है? सबसे पहले एक आयरन की पिकेक्स, दूसरी एक आयरन की एक्स, और तीसरा मैं बनाने वाला हूँ एक आयरन की वाटर बकेट। ओके, तो इस तरह पे हम लोगों को 3 आयरन और मिल चुका है, बट हाँ हमारे पास में शायद से वुड की कमी। हाँ हमारे पास शायद वायद की कोई बात नहीं, हमारे पास वुड है ही नहीं, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वुड वुड लेकर आता हूँ, क्योंकि हम लोगों को अभी एक आयरन की वोल्ड बनानी है। और भाई अभी तो शील्ड भी बनानी है ना, तो यार उसके लिए तो वुड लगेगा ही। और यार मैं ना सोच रहा हूँ कि अभी ना मैं थोड़ा सा वुड वुड का भी स्टफ कर लूँ, क्योंकि यार ये सब ना हमको लगते रहेगा अभी आगे भी अपनी सर्वाइवल स्पेस में। तो यार बाकी तो यार देखो तुम्हारा भाई ना अभी आगे देखो क्या क्या होता आता है यार। अभी ना हम लोग बहुत सारे आयरन के फार्म्स बनाएंगे और बहुत सारे अलग अलग फार्म्स बनाएंगे, जो कि हम लोग को बहुत सारा भर भर के स्टफ देने वाले। भाई तो भी आज पहला दिन है इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी आयरन आर्मर तो फिर भी तुम्हारे भाई ने पहले दिन में बना लिया, बहुत बड़ी बात है यार वो भी। तो इसको इतना वुड तो अभी के लिए इनफ से वापस से लेके चलते हैं ना। अगर यार सर्वाइव कर लेना तो भाई रास्ते याद रखने पड़ते हैं, वरना अगर भटक गए ना भाई दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए तो सारे रास्ते ना इधर उधर मुझे देख देख के आस करके चलने पड़ेंगे कि मैं किधर से आ रहा था, किधर से आ रहा था, किधर मरा था और किधर अपना सामान उठाने जाना है, ठीक है? तो यार ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सर्वाइव वर्ल्ड में। और भाई मुझे डैमेज गंदी जा रही है, पर अभी हाँ मेरे पास में खाना है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं फर्नेस में ही पका लेता हूँ अभी खाना मेरे को, ठीक है? क्योंकि खाने की यार एकदम फर्नेस नहीं, इसको स्मोकर बोलते, खाने की यार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं फटाफट से इसके अंदर से निकाल लेता हूँ, इतना आयरन और हो चुका है और एक आयरन और बचा है बस, ठीक है? तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ यहाँ पे इसकी स्टिक, और स्टिक से बना लेंगे अपन लोग एक स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड से एक स्वॉर्ड के बाद हम लोग बना लेंगे एक शील्ड। शील्ड के बाद में हमारे पास में 8 आयरन बचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। 9 आयरन बच रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक चेस्ट प्लेट तो मैं बना ही सकता हूँ, ठीक है गाइस? इतना तो यार तुम्हारा भाई ये फोल्ड करता है ये, तो ठीक है एक आयरन की चेस्ट प्लेट बना ली। बाकी यार अगर आयरन का आयरन और भी मिलता ना तो आज के आज ही हम लोग पूरा कवर कर लेंगे अपने आप को आयरन में, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर क्या हो गया, चलो इसके अंदर बढ़िया पकड़ा है खाना यार, एक भी बढ़िया बढ़ रही, बस मैं ना मर जाऊँ, क्योंकि यार अगर आप लोग मर जाते हो ना तो आपका सारा सामान चल जाएगा, क्योंकि कीप इन्वेंटरी तो है नहीं सर्वाइवल में। तो पहले तो खाना एकदम लेवल ना मेरे को फुल रखनी पड़ेगी। चलो ये हो गई मेरी लेवल फुल, एंड यहाँ से सारा का सारा खाना निकाल लेते हैं। एंड थोड़ा सा इसके अंदर मैं वापस से रख रहा हूँ, एंड वापस से चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा देखेंगे
कि क्या कैसा माहौल है, और मैं बेट साथ में लेके जाने वाला हूँ जब तक इसके अंदर खाना पक रहा है, जब तक इधर देख के आते थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत स्टफ भी कलेक्ट करते हैं और बेट साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर रात भी आती बाई चांस मान लो दूर चले जाता हूँ तो मैं अपना सो जाऊँ आराम से, ठीक है। तो अभी फटाफट से चलते हैं कि तो ऐसा मैं ना अभी इस माइन के अंदर घुस चुका हूँ, इस छोटी सी माइन के अंदर मैं पीछे से आ रहा था, उधर से मॉब्स मारते मारते इस माइन के अंदर मैं घुस गया हूँ एंड यार अभी सच में मैं बता रहा हूँ मेरे को इस माइन में एक माइन शॉट मिल चुकी है। मैं सोच रहा था मेरा तो नसीब नहीं चल रहा है, बट नसीब आज कुछ तगड़ा ही चल रहा है यार, अब जितना मैं सोच रहा हूँ उससे यार तगड़ा ही चल रहा है मेरा नसीब एंड यार अभी अगर माइन शॉट में आता ना तो मैं 100% मर जाऊंगा। बट हाँ माइन शॉट के अंदर आयरन बहुत सारा होता है, क्योंकि यार मैं देख सकता हूँ कितना आयरन लगा हुआ है भाई साहब नीचे, इतना आयरन भाई आज तक नहीं। यार भाई सच में मेरा नसीब थोड़ा सा खराब चल रहा है, नसीब अच्छा भी चल रहा है खराब भी चल रहा है। नहीं अरे भैंस की पड़ गया, ओए इधर आ तो इधर आ, इधर रुको 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 ये कोल को अंदर को, भाई साहब मैं अभी मर ही जाता अगर मैं नहीं सही टाइम पे भी चढ़ता। हाँ तो मैं ना इधर से आ रहा था अपना मस्त एकदम घूमते घूमते बोल रहा था यार आयरन कहीं पर भी नहीं दिख रहा माइंड में, बट यार पूरी नीचे तो पूरी आयरन की खदान पड़ी हुई है, और यार अभी मुझे ना चेहरे में डर भी लग रहा है, बट फिर भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। इधर से रास्ता बंद है मतलब अगर जाना है तो वहीं से आना पड़ेगा एंड वहाँ पे नीचे तुम्हारे भाई के लिए पूरे की पूरी मॉब्स की सेना बैठी भी पड़ी हुई है। सर मैं अभी तो नहीं आने वाला, मैं पहले ना अपने खाने का पूरा बंदोबस्त कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ पे आने की सोचूंगा। एंड यार इस तरफ को क्या है मैं ये भी आकर देख लेता हूँ, क्योंकि यार मैं इस तरफ भी ना बहुत देर से देख रहा हूँ कुछ तो अच्छा लावा आइए। ओके चलो बढ़िया 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 लेट्स गो। ओ ये अलग सीन हो रहा है, ऑल राइट दो तरह अभी मुझे नहीं पता मैं किधर से घुस रहा हूँ किधर से निकल रहा हूँ, बट हाँ मैं ना तुम्हारा भाई ना यहाँ से अगर मेरे को बाहर निकलना होगा ना मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा निकलने के लिए, और बाहर तो मैं निकल ही जाऊँगा, बट आयरन लेके निकलूंगा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा नीचे चला जाए, ओके ऊपर भी आ जाएंगे, ऊपर आने की कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से यार आराम से मैं बोल रहा हूँ, और डैमेज तो खा ही रहा हूँ। ओए मार मार मारियो जरा ले भाई, बहुत तेज होते यार स्केलेटन, इससे थोड़ा बच के काम करना पड़ता है। हेलो एनीबॉडी हियर, तो इधर माइनक्राफ्ट वालों ने कसम खा रखी है अगर मुझे आयरन देंगे तो मुझे एकदम ओपन ओपन माइन में आयरन लेने आना पड़ेगा, वरना तो मैं मरूं इधर उधर, ठीक है। सर अभी मैं इतना ज्यादा ओपन माइन में आ चुका हूँ, उसके बाद भी माइनक्राफ्ट वाले मुझे आयरन देने से एकदम साफ मना कर रहे, बोल रहे तो नीचे जाके मोब्स का तो मर तभी तुझे आयरन मिलेगा, वरना तो ना मुन्ना ना। और सच में भाई आयरन तो बहुत सारा है यार, एक कसम से इतना आयरन आज तक ना देखा, रुको चाहे जो हो जाए तुम्हारा भाई आज आयरन लेके आएगा देखो बस। और राइट टू गए सर, मैं वहाँ से ना आयरन लेने के लिए सीधा उस माइन में कूद गया एंड हाँ अब मेरी इन्वेंटरी पूरी खाली हो चुकी है, मेरे पास मेरा सारा सामान जा चुका है, बट यार मैं जाऊँगा और वो सारा का सारा सामान लेके आऊँगा, क्योंकि यार वो सारा सामान मैं छोड़ तो नहीं सकता ना, इतना सारा मैंने ग्राइंड किया था यार, पता नहीं क्यों सब मेरे साथ होता है। बट हाँ मैं खाना लेके जाने वाला हूँ क्योंकि गंदा डैमेज जाने वाला है वहाँ पर, अभी मैं बिना किसी टूल बिना किसी वाटर बकेट सब कहूँगा। यार मैं सोच रहा था कि मैं एमएलजी कर लूँगा बट मेरी एमएलजी वहाँ पर फेल हो गई, बट हाँ एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे भाई की एमएलजी एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगी, ठीक है। अब यार मैं जा रहा हूँ और पता नहीं यार मेरे को तो ढंग से रास्ते भी नहीं मालूम है किधर से किधर गया था उस माइन में, बट फिर भी एक बार ट्राई मार लेंगे। हाँ मैं इधर से कहीं जा रहा था और मुझे वो माइन मिली थी, फिर सर मैं जा रहा हूँ एंड देखते यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को सामान वापस, बट मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा एंड डे 3 भी होने वाला है भाई जल्दी। वैसे तुम्हारे भाई का मास्टर प्लान जो था ना वो काम कर चुका है एंड अभी मैं इस डेंजरस सी माइंड के अंदर एंटर हो चुका हूँ वो भी बिना किसी सामान के एंड यप यहाँ से ऊपर चढ़ने का भी एक रास्ता मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे पानी एंड क्योंकि यार मेरा सामान ना यहाँ पे नहीं, मेरा सामान इससे भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो या तो मैं वहाँ पे हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ इस तुम्हारे भाई के पास ना, सच में अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई मास्टर माइंड तो है ये, मास्टर मास्टर प्लान मिल रहा है मुझे। चलो आ जाओ क्रीपर चाचा जल्दी आ जाओ, थोड़ा पट 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 बहुत बढ़िया, ओए रुक जाओ आप तेरी ज़रूरत नहीं मुझे। ओके गाइस तो ये था मेरा मास्टर प्लान कि यहाँ से मैं एक क्रीपर ब्लास्ट करवाऊंगा, डर्ट निकालूंगा एंड मैं यहाँ से
ऊपर चढ़ जाऊंगा, बट मैं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। एकदम शांति से निकल जाओ। ओह बढ़िया, तो मैं वहाँ से डायरेक्टली, भाई मैं वहाँ से खुदा था, तो मेरा सामान किधर गया? भाई ये मत बोलना कि सामान डिस्पान, क्योंकि यहाँ तक आने में ना पूरा टाइम लगा दिया अपना। अरे बेंस की भाई, रुको 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 रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तो इधर मैं इस माइन के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, बट अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मेरा सामान, और उल्टा मैं इतना ज़्यादा मर चुका हूँ। एक एक तीर अभी तो मैं सीधा एक आँख में घुसे हुए थे भाई, मैंने निकाला उसको, एंड एक मेरे सर में अभी भी लगी हुई है। तो सर आज के यार भाई सीरीज के भाई पहले ही, और बेंस के भाई अंदर भी आ गया हूँ, वो स्केलेटन अंदर घुसा हुआ मेरी टॉर्च के पास में। अरे नहीं, मैं मर जाऊँगा यार गाइस आज की वाली स्ट्रीम। क्या गाइस यार, उस स्केलेटन में मार ही नहीं रहे यार ये लोग, बट हाँ गाइस जो बोलो आज की वाली मतलब सीरीज स्टार्ट तक काफ़ी अच्छी थी, बट यार एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हो रही है। यहाँ से शुरू किया था वहीं पे आगे, मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है हमारा गेम। बट हाँ गाइस, आई होप यार हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें कुछ अच्छा हमारे साथ हो। बाय द वे गाइस, आज की वाली इंटरव्यू के लिए तो इतना ही, आई होप कि आपको आज की वाली एपिसोड पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।